ललन जी जिंदाबाद, ललन जी जिंदाबाद, जय हिंद जिंदाबाद, पंजाब साहब जिंदाबाद, जय हिंद साहब जिंदाबाद। जल शक्ति जो मुझे आई आगे 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 जैसे कुछ पानी पड़ा रोबोट आगे 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 जगह छोड़ जगह जगह छोड़ जगह छोड़। ये हमारा सोशल मीडिया सर चला अहमद इधर देखो थोड़ा सा हमारी दिल्ली तमन्ना थी कि बिहार से कोई यहाँ आए। आज अगर देखें 5-6 सालों से हम लोग जो है बड़ी तमन्ना करते थे कि बिहार से पार्टी को कोई रिप्रेजेंट करने के लिए आए। एक हमारे लिए एक खुशी की बात है, ईद से कम नहीं है। हमें आज साहब आज यहाँ पर हमारे आए आपको हमने पूरा लिख के दे दिया। इंशाल्लाह हमारी तकलीफों का जल्द से जल्द अजाला हो जाएगा और हमारे यूनिट को सर प्लीज मजबूत कीजिए। भरोसा दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर के आप एक एक साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जैसा आपका अध्यक्ष आपके एक एक कदम के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। हमारी पार्टी कितनी स्ट्रांगहुड है और नहीं है ये तो समय बताएगा, लेकिन आज हम इतना जानते हैं कि पूरी विपरीत परिस्थिति में भी हमारे जो साथी हैं और कार्यकर्ता हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। इसलिए उनको और जो ईमानदारी के साथ संघर्ष करता है सफलता उसका चरण चूमती है। अभी हम कोई जम्मू एंड कश्मीर घूमे नहीं हैं, हम अपने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के काम से आए हैं और उस काम में हम व्यस्त हैं। अभी तो सिर्फ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष साइन साहब ने आग्रह किया कि पार्टी के कार्यकर्ता भी आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आज हम समय निकाल के आ गए। देखिए स्टेटहुड तो होना चाहिए, स्टेटहुड तो जरूर होना चाहिए और केंद्र की सरकार ने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होगा और जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। हम उनकी इस तरह की बातें जो होती है वो राष्ट्र के हित में नहीं होती है, तो इसलिए हम उनकी बातों का कमेंट नहीं करते हैं। वो इस तरह की बात करके अपना धरातल मजबूत करना चाहते हैं। जी, हमारी पार्टी का पहला एक ही मुद्दा था कि यहाँ पर जो स्टेटहुड हमारा है वो जल्द से जल्द वापस दिया जाए, आप पार्लियामेंट के लिए उसके लिए जद्दोजहद कीजिए। और दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो जो लोग यहाँ पर ताजर लोग जो है, जो बिजनेसमैन जो है कर्जों में डूबे हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। अभी बैंकों के पास वो डूबे हुए हैं, बैंकों के लिए एक ऐसा पैकेज लाए ताकि हम इस कर्ज़े से मुफ्ती मिल जाए हमें इस कर्ज़े से। ये हमारा एक स्पेशल पॉइंट था कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी ताजरों के लिए। और तीसरी बात हमने ये कही कि जल्द से जल्द यहाँ पर आप पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठा लीजिए कि जो हमारा स्टेटहुड छीन लिया गया है उसको जल्द से जल्द वापस किया जाए।